वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे द्वारा रूट वर्ड की एक नई सीरीज चालू की जिसका क्लास वन है। ये जो रूट वर्ड है ये आपके क्लोज टेस्ट सिनोनिम एंटोनिम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए आज जो मैंने पहला वर्ड लिया है, क्लास वन है, पहला वर्ड है, तो मैंने जो लिया है वो यू लिया है। चलिए देखते हैं यू का मतलब क्या होता है। यू एक प्रीफिक्स है और आप प्रीफिक्स जानते होंगे कि किसी भी वर्ड के पहले आता है प्रीफिक्स, ठीक है। और यू का जो ओरिजिन है मतलब कि यू जिससे बना है वो यूज से बना है, और यूज एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है। मैं ये पहले बता दे रही हूँ आपको, यू यूज से बना है, यूज जो है एक ग्रीक ओरिजिन है। और ग्रीक में इसका वर्ड का मीन्स क्या होता है, इस वर्ड का जो मीन्स होता है वो गुड होता है। तो यू यूज से बना है जिसका मतलब क्या होता है, गुड होता है, वेल होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ अच्छा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जिस भी वर्ड के पहले लगेगा उसका मतलब गुड सेंस में आने लगेगा, मैं एक ये पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मैं इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से बनते हैं। पहला जो वर्ड है वो यूफोनिया है। इसको हम हर एक वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ने से ये रहेगा आपको वो माइंड में हिट करेगा जब भी आपके सामने वो आएगा। तो यू मैंने बताया यूज से बना है, और जो फोनी वर्ड है वो फोन से है बना। अब इनका मतलब क्या होता है, यूज का मतलब जो होगा वो गुड होगा, और जबकि जो फोन का वर्ड होगा, फोन वर्ड का मतलब वो साउंड होगा। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि गुड साउंड, एक ऐसा आवाज जो हमारे कानों को अच्छी लगे, तो उसको हम लोग यूफोनी का जो सिमिलर है उसको मेलोडी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ लिख के भी पहले से रखा हुआ है स्वीट साउंड। जैसे आपको आपके सिंगर की जो है आवाज़ बहुत सुंदर लगती होगी, अच्छी लगती होगी, तो यूफोनी यूज से, यू जो है वो यूज से है जिसका मतलब गुड होता है, फोनी फोन से बना है जिसका मतलब साउंड होता है, मतलब कि एक अच्छा साउंड। जो सेकंड वर्ड है हमने लिया है वो है यूफेमिज्म। चलिए देखते हैं, आप हर वर्ड को ब्रेक करके जरूर पढ़िएगा, इससे आपके सामने जब भी वो वर्ड आएगा आपको वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। यू जो है वो यूज से है, और जो फेमिनिज्म है वो फेमे से बना है, ठीक है। अब इसका मतलब देखते हैं, यूज का बा बोलते जाइएगा जो, और फेमे का मतलब जो होता है वो स्पीकिंग होता है। अब गुड स्पीकिंग क्या होती है, गुड स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि अपने किसी भी बात को मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से बोलना। जैसे आपको आपके पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हैं, और आपको कहना भी है, तो क्या कहेंगे, यार ऐसा नहीं करें कि इस काम को अगर ऐसे कर लिया जाए तो, मतलब कि उसकी बात, अपनी बात को भी बोल देना और उसको बुरा भी नहीं लगना, इस ये मतलब होता है। मतलब कि सेइंग निगेटिव थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, मतलब कि किसी को कोई बात बुरी ना लग पाए और हम बोल भी जाएं। जैसे आपने फॉर्म भरते समय पहले देखा होगा कि पहले आता था अपंग, विकलांग, लेकिन अब कोई अपंग होगा, कोई विकलांग होगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या लिख के आता है, दिव्यांग, सुनने में भी अच्छा लगता है, कोई हो तो उसके मन को ठेस भी नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो यूफेमिज्म क्या होता है, गुड स्पीकिंग, मतलब कि अपनी बात को पॉजिटिव वे में रखना। थर्ड वर्ड है यूथनेशिया। यूथनेशिया ब्रेक करते हैं तो कैसे बना है, यूज और ये थैनाटॉस। अब थैनाटॉस का मतलब क्या, यूज का मतलब तो आप जान गए हैं कि गुड होता है, पर थैनाटॉस का मतलब क्या, थैनाटॉस का मतलब होता है डेथ। अब गुड डेथ और बैड डेथ भी होती है क्या, हाँ होती है। जैसे कि जब आर्मी में या जब लड़ाइयाँ युद्ध होते थे पहले, तो क्या होता था कि जो सैनिक लोग होते थे वो घायल हो जाते थे, घायल भी हो रहे हैं, पेन भी हो रहा है, लेकिन उनको डेथ भी नहीं हो रही है, मौत नहीं आ रही। तो ऐसे में किया क्या करते थे, पहले के जो राजा महाराजा लोग थे उनको मार दिया करते थे, लेकिन आज के समय में वो अलाउ नहीं है। तो जैसे अगर आपका समय मतलब कि
बहुत ही पेन हो रहा है, कोई बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन उसको मौत नहीं आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है कि उसे यूथनेशिया दिया जाए। देता नहीं है क्योंकि इलीगल है, लेकिन एक कहते हैं कि उसे यूथनेशिया दे दिया जाए। ठीक है, तो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग। अब यहाँ पे भी देखिए, कोई किल भी कर रहा है और मर्सी भी, ये कैसी बात है? ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के क्या हुए? अपोजिट वर्ड है। मर्सी किलिंग, कत्ल तो कत्ल हुआ ना, चाहे वो अच्छा कत्ल हो चाहे बुरा कत्ल हो, कहा तो कत्ल ही जाएगा। तो ऐसे वर्डों को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो, मैं एक दूसरे को परस्पर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे वर्डों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीमोरोन। मैं इसको एक्स्ट्रा बता रही हूँ लेकिन ये भी आपके काम देगा कि कोई ऐसे दो वर्ड साथ में आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे का परस्पर विरोध कर रहे हैं, ऐसे वर्डों को ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ जो वर्ड हमने लिया है वो है यूपेप्सिया। यूपेप्सिया किससे बना है? यू जो बना है वो यूज से बना है, और जो पेप्सिया है वो पेप्सिस से बना है। ये एक मेडिकल का टर्म है, मैं बायोलॉजी में आप इसे पढ़ते हैं। यूज का मतलब जो होता है वो गुड होता है, और जो पेप्सिस का मतलब होता है वो डाइजेशन होता है। अब आप बोलेंगे मैम गुड डाइजेशन भी कुछ होता है क्या? डाइजेशन तो डाइजेशन होगा, लेकिन नहीं, आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद आपको गैस बना दे, कुछ लोगों को ऐसा होता है, मतलब कि आपको गैस बना दे, आपको डकार आने लगे, तो आपका गुड डाइजेशन सिस्टम नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। खाना अच्छा मतलब कि ये हुआ कि खाना खाया, थोड़ा सा वॉक किया एंड देन डाइजेस्ट। ठीक है, तो यूपेप्सिस का मतलब क्या होता है? गुड डाइजेशन सिस्टम, मैं खाना तुरंत पच जाना। ठीक है, यूडिप्सिया। यूडिप्सिया किससे बना है? यूडिप्सिया जो बना है वो यू बना है यूज से, और डिप्सिया जो बना है वो डिप्सा से बना है। आपने पढ़ा होगा, ये भी बायोलॉजी में ही होता है। यूज का मतलब गुड होता है और डिप्सा का जो मतलब होता है वो थ्रस्ट होता है। अब आप बोलेंगे मैम खाना का तो बता दिया, प्यास में भी कुछ ऐसा होता है क्या कि अच्छी प्यास बुरी प्यास? जी हाँ होता है। अगर आपको कम पानी पीते हैं आप दिन में, कहा जाता है कि 4 से 5 लीटर या 8 गिलास पानी मिनिमम पीना चाहिए, लेकिन आप नहीं पी रहे। आप कह मैं खाना खाने के समय 1 गिलास पी लेता हूँ, खाना खाने के या मतलब कि रात को खाता हूँ, तो उस बीच में 1-2 गिलास 4-5 गिलास पी लिया, तो पिया ना, ये आपकी अच्छी थ्रस्ट नहीं है। कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीना रहता है, कम पानी और ज़्यादा पानी आप दोनों पी रहे हैं तो आपकी अच्छी थ्रस्ट नहीं कहलाएगी। ठीक है, यूडिप्सिया मीन्स होता है गुड थ्रस्ट। इससे दो वर्ड बनते हैं, एक होता है डिप्सोमेनिया। ठीक है, ये तो सफिक्स वाले हैं, मैं सफिक्स भी बताऊंगी। पहले मैंने प्रीफिक्स उठाए हैं, पहले मैं प्रीफिक्स कवर करूंगी फिर मैं सफिक्स कवर करूंगी। और एक होता है डिप्सोफोबिया। डिप्सोमेनिया जो होता है वो थ्रस्ट थ्रस्ट के लिए पागलपन होता है। ठीक है, प्यास के लिए पागलपन, जैसे कोई बहुत ज्यादा पीता जा रहा पीता जा रहा पीता जा रहा है, एबनॉर्मल। और डिप्सोफोबिया जो होता है वो है कि कोई पी ही नहीं रहा है। ठीक है, 2 गिलास पी लिया, 3 गिलास इनसफिशियंट, नहीं ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो दोनों ये वर्ड है। सिक्स वर्ड जो है, सिक्स वो है यूरेका। अभी जो मैंने पिछले बता रहे हैं या जो मैं आगे बताऊंगी वो सब मैंने नाउन लिए, लेकिन ये यूरेका जो है वो कोई नाउन नहीं है। यूरेका एक इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, इंटरजेक्शन है, जैसे आप कहते हैं ना हुर्रा ब्रावो, मतलब जैसे कोई एक होता है सडन मूवमेंट ऑफ हैप्पीनेस, आपको कोई बहुत मतलब कि यूरेका कहाँ यूज करते हैं? जैसे स्पेशली जो यूज किया जाता है आंसर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि आप बहुत टाइम से मैथमेटिकल किसी क्वेश्चन में फंसे हुए थे या किसी भी क्वेश्चन में आप फंसे हुए थे, मैं कुछ भी आप कर रहे थे प्रॉब्लम फंसे, एकाएक आपको आंसर मिल जाए उसका, तो आप क्या कहेंगे? यूरेका, आई सॉल्व इट, मैंने उसे सॉल्व कर लिया। या कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, मैं कोई भी सामान आपका खो गया है वो ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, तो आप कहेंगे यूरेका आई फाउंड इट। ठीक है, तो वो वहाँ यूज किया जाता है, मतलब कि सडन हैप्पीनेस के लिए होता है। अपनिया, अब देखते हैं अपनिया किससे बना है। यू जो बना है वो यूज से बना है,
और जो निया बना है वो न्यू से बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है गुड, अब तो आपको यू बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो न्यू बना है वो रेस्पिरेटरी से बना है, रेस्पिरेशन से बना है। तो अपनिया का मतलब होता है अ गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि जैसे कोई अच्छे से सांस ले रहा। अब जैसे आपने अच्छे से सांस लेना भी होता है, जैसे आप अस्थमा के मरीज को ले लीजिए, अस्थमा के मरीज को सांस की बहुत समस्या होती है। अगर जैसे उसने फर्स्ट, जैसे आप क्या होता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चढ़ रहे हैं आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन जो अस्थमा के मरीज होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पढ़े चढ़ेंगे सेकंड फ्लोर पर, और तब वो सांस हाँपने लग जाया करते हैं, तब उन्हें इनहेलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, या उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या खांसी आएगी, ये सब होने लग जाता है, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। तो अपनिया का मतलब होता है अ गुड रेस्पिरेशन। जो एट्थ वर्ड है वो है यूलॉजी। यूलॉजी, यू जो बना है वो यूज से बना, और जो लॉजी आपका वर्ड बना है वो लॉगोस से बना है। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि लॉजी का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना, लेकिन नहीं, लॉजी का एक और भी मतलब होता है, वो मैं लिख देती हूँ, अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिक्स ऑफ स्पीच और राइटिंग, मतलब कि किसी के स्पीच और राइटिंग की विशेषता बताना, विशेषता, ठीक है। तो ये क्या होता है यूलॉजी। अगर आप किसी की स्पीच या किसी की राइटिंग या किसी के कुछ भी बोलने बोलने पे उसकी विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यूलॉजी का जो मतलब होता है वो प्रेस करना होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यूलॉजी का सिनोनिम हम प्रेस लिख सकेंगे, ठीक है। तो यूलॉजी होता है मतलब कि किसी की तारीफ करना। तो आपके यू आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा कि यू का मतलब क्या होता है। यू का मतलब यूज, ग्रीक वर्ड है जो गुड से बना हो, मतलब सीधा सीधा ये है कि यू किसी भी वर्ड की अगर पहले आएगा मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ, अच्छा, मतलब कि वो उसका पॉजिटिव सेंस ले लेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप हमारे अगर चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।